वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने स्टैटिस्टिक्स के मेरे जो इससे पहले का वीडियो आया था उसमें मैंने आपको अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज समझाया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से मैंने इसको करके दिखाया था। तो आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे और उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो शुरू करते हैं इसका एक सवाल, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक न्यूमेरिकल है और इसको अब हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है और डायरेक्ट मेथड से निकालना है। अब चूंकि इसमें देखिए मार्क्स दे रखे हुए हैं, पहली इंफॉर्मेशन ये है और दूसरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हुए हैं, तो ये जो सीरीज है हमारी, सबसे पहले तो सीरीज को पहचानिए। सीरीज ये डिस्क्रीट सीरीज है जिसको कहते हैं खंडित श्रेणी। तो इस सीरीज का ये सवाल है और इसको अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्क्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन लिख लेंगे इसका टाइटल, कैलकुलेशन ऑफ मीन। और इसमें पहला कॉलम बना लेंगे हम लोग मार्क्स का और इसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो ये मार्क्स हैं हमारे 5 तो ये मार्क्स हम लोगों ने लिख लिए। और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग लिख लेते हैं F, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो ये F मीन्स फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, 10, 25 और ये है 30, फिर 20 और ये हो जाएगा 10। और इसका थर्ड कॉलम एक और बना लेंगे fx। तो fx में हम इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 5 5 25 हो जाएगा, 15 10 150 हो जाएगा और 25 25 जा ये हो जाएगा 625 और 35 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0। तो 1050 हो गया और 45 की 20 से कर लेंगे तो 900 हो जाएगा और ये 550 हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये 3300 इसका टोटल हो गया एफएक्स का। और अब एफ का टोटल कर लेते हैं, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स हो गया और ये सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा मीन्स टोटल होता है। ये 100 हो गया सिग्मा एफ। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हम मीन निकाल लें। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिंगल एफ भी लिख सकते हैं इसको। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की जगह पर 3300 आ जाएगा
और n की जगह पर n मतलब सिग्मा f जो है तो ये 100 आ जाएगा और इसको कर लेंगे कैंसिल हो गया 2020 तो x बार इक्वल्स टू 33 आ गया। हेंस मीन इज इक्वल टू 33, ये हमारा आंसर आ गया 33 मार्क्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और ये डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से ये सम को मैंने सॉल्व किया है और अब इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स तो ये एक और न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं और ये भी डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, ये वैल्यूज हैं x, तो इसका भी मीन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन और इसमें सबसे पहले x लिख लेते हैं तो x है इसमें 42, 47, 52, 57, 62, 67 और 72। और अब सेकेंड कॉलम f का बना लेते हैं 3, 5, ये वाले f आ जाएंगे 3, 5, 7, 10, 7, 5, 3, ये सेकेंड कॉलम हो गया f का। और एक थर्ड कॉलम बनेगा fx का 3 2 6, 3 4 12 और ये हो जाएगा 570 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई दोनों कॉलम्स की और इसका आप टोटल कर लेते हैं ₹2280 हो गया सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया। और अब एफ का टोटल कर लेते हैं जो कि हमारा एन कहलाएगा। ये n हो गया या सिग्मा f भी इसको कह सकते हैं, f का टोटल है, n हो गया नंबर ऑफ आइटम्स या इस तरह से करके हो गया। और अब हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन को x बार से डिनोट करते हैं इक्वल मीन इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन n और x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 2280 आ जाएगा और n की जगह पर 40 आ जाएगा तो 0 से 0 चला जाएगा और 4 1 4 5 हो जाएगा
47 का। तो x बार इक्वल्स टू 57 आ गया, एंस मीन इक्वल्स टू 57। तो स्टूडेंट्स ये एक और न्यूमेरिकल था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक और न्यूमेरिकल है और इसमें हम लोगों को मीन निकालना है, यानी एवरेज बोनस निकालना है और टोटल बोनस भी निकालना है, और इसको भी हमें डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। और इसमें चूंकि नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, तो ये भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बोनस एंड टोटल बोनस। तो सबसे पहले तो कॉलम बना लेंगे, बोनस इन रुपीस, बोनस इन रुपीस, और ये जो कॉलम है हमारा इसको हम एक्स कहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और सेकंड कॉलम हमारा आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम कहेंगे एफ भी कह सकते हैं इसको। तो ये सेकंड कॉलम हो गया, और इसके नंबर्स लिख लेंगे 5, 4, 4, अगेन 4, 3 times 4 एंड 2 एंड दिस इज लास्ट 1। और एक थर्ड कॉलम बना लेंगे वही एफ एक्स का, जिसमें एफ और एक्स की यानी इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 105 का 500 हो जाएगा, 24 का 800 हो जाएगा, 34 का 1200 हो जाएगा, 44 का 1600 500 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 600 की 1 से करेंगे तो 600 ही रहेगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 00 ऐसे ही आ जाएगा, 5700। तो इसको हम टोटल बोनस भी कह सकते हैं, जो कि हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना था एक चीज, ये टोटल बोनस निकालना था ये वाला, तो वो हमारा 5700 आ जाएगा। और अब एफ का टोटल कर लेंगे, जो कि हमारा एन भी कहलाएगा या सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, तो ये n हमारा आ गया 20। और अब वही फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो mean equals to sigma fx upon n, mean equals to sigma fx की जगह पर 5700 आ जाएगा, upon n में 20 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 570 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो
तो ये हमारा 285 रुपीस आ जाएगा मीन, यानी एवरेज बोनस 285 रुपीस ये आ गया। तो जो दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी टोटल बोनस तो आ ही गया था, ये टोटल बोनस ये आ गया था 5700, और एवरेज बोनस जो कैलकुलेट करना था वो मीन है, तो हेंस एवरेज बोनस इज इक्वल टू रुपीज 285 रुपीज। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया 285, और टोटल बोनस को भी हम इधर आंसर के रूप में लिख लेंगे, ये आया था हमारा रुपीज 5700 रुपीज। तो दोनों आंसर्स हमारे ये आ गए। वेल स्टूडेंट्स, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स थे अर्थमेटिक मीन निकालने के डिस्क्रीट सीरीज में बाय डायरेक्ट मेथड से। तो मैंने इन तीनों न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, और अब आप लोगों को ये करना है कि आपकी जो भी स्टेटिस्टिक्स की जो भी बुक है वो, तो उसमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। और अब इससे पहले के भी जो मेरे वीडियोज हैं स्टेटिस्टिक्स के, तो उसमें मैंने मीन के और भी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, तो उनको भी आप देख लें, उन वीडियोज को भी, और इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसका कोई लाभ मिल सके। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को मेरे सभी वीडियोस उचित समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू।